कोटकपुरा गोलीकांड की विशेष जांच टीम की रिपोर्ट रद्द होने मगरों पंजाब की सियासत में वड्डा उबाल नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार के नाल नाल जिथे सियासी लीडर अदालत के फैसले तो असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं, उत्थे ही पंजाब कांग्रेस और अकाली पार्टी को भाईवाल कह के तंज कसे जा रहे हैं। बरगाड़ी के पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला गुरद्वारा साहेब अंदरों 1 जून 2015 श्री गुरु ग्रंथ साहेब पावन स्वरूप चोरी हुए सन, जिसका रोस कर रहे प्रदर्शनकारियों से 14 अक्टूबर 2015 पुलिस वालों गोलीबारी कर दो प्रदर्शनकारी मौत के घाट उतार दिए गए। अते उस तो बाद बुरज जवाहर सिंह वाला विखे 16 जून 2016 डेरा पैरोकार की हत्या कर दी गई। पड़ताल लिए एक विशेष जांच टीम का संगठन किया गया, जिसके मुखी वजो कुंवर विजय प्रताप सिंह नियुक्त किया गया। लंबी जांच मगरों रिपोर्ट संपन्न होने ते पंजाब हरियाणा कोर्ट वालों यह कह के रद्द कर दी गई कि जांच विच पक्षपात नजर आता, जिसके चलद पंजाब के कई सियासी आगुआ के रोस भरे बयान सामने आए। उत्थे ही अज नवजोत सिद्धू द्वारा गुरद्वारा पिंड बुरज जवाहर सिंह वाला विखे अचानक फेरी पाई गई अते ओ पावन स्वरूप चोरी करन दे दोषियों नूं सजा देन विच हो रही देरी करके काफ़ी तलखी विच नज़र आए अते उन्हां अपनी ही कांग्रेस सरकार नूं कटहरे विच खड़े करदिआं कहा कि शतरंज की एक बिशात बिछी है, हुक्म देण वालिआं अते राजिआं की किलाबंदी कर दित्ती गई है अते वार हो रहे ने प्यादिआं ते। उन्हें कहा कि जिस तरह बरगाड़ी बेअदबी मामले जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट को विधानसभा में जनतक किया गया सी, उस तरह आई जी कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट को जनतक किया जाना चाहिए। जिक्रयोग है कि विशेष जांच टीम की जांच हेठ पंजाब के कई वड्डे नाम आए सन, जिन्हां विच सुखबीर सिंह बादल, सुमेध सिंह सैनी, परमराज उमरा नंगल, फिल्मी अदाकार अक्षय कुमार, डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम शामिल सन। उत्थे ही कई अहम सवालों नूं जन्म दिंदिआं आई जी कुंवर विजय प्रताप सिंह वल्लों अज इस्तीफा दे दित्ता गया है, जिसके चलदिआं प्रशासकी अते राजसी हल्कियां अंदर वड्डी हलचल छिड़ गई है। उत्थे ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों इस्तीफा नामंजूर भी कर दिता गया है। उन्हें कहा कि आई जी कुंवर विजय प्रताप सिंह एक बहुत ही समर्थ अते कुशल अधिकारी हैं, जिन्हां दीआं सेवावां सरहदी सूबे विच लोड़ींदीआं ने।